नमस्कार। भानु रेखा गणेश जन्म 10 अक्टूबर 1954 जिन्हें उनके नाम रेखा से बेहतर जाना जाता है एक भारतीय अभिनेत्री हैं। पुष्पवल्ली और जेमिनी गणेशम की बेटी रेखा ने बाल अभिनेत्री के रूप में तेलुगु फिल्म इंती गुट्टू 1958 और रंगुला रत्नम 1966 से अपने करियर की शुरुआत की थी। सावन भादो 1970 के साथ उनकी हिंदी शुरुआत ने उन्हें उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित किया, लेकिन उनकी कई शुरुआती फिल्मों की सफलता के बावजूद उन्हें अक्सर उनके लुक और वजन के लिए प्रेस में आलोचना की जाती थी। आलोचना से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी उपस्थिति पर काम करना शुरू कर दिया और अपनी अभिनय तकनीक और हिंदी भाषा की कमांड को बेहतर बनाने में प्रयास किया। इसके परिणामस्वरूप एक अच्छी तरह से प्रचारित परिवर्तन हुआ। 1978 में घर और मुकद्दर का सिकंदर में उनके प्रदर्शन के लिए शुरुआती पहचान ने उनके करियर की सबसे सफल अवधि की शुरुआत को चिन्हित किया और वह 1980 के दशक और 1990 के दशक की शुरुआत में हिंदी सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक थीं। इस अवधि के दौरान रेखा मुख्य धारा की फिल्मों में उन्हें जो दिया गया था उसे पड़े अपनी सीमा का विस्तार करने के लिए तैयार थी और समानांतर सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया, जो भारतीय नव यथार्थवादी कला फिल्मों का एक आंदोलन था। इन फिल्मों में कलयुग 1981, उमराव जान 1981, विजेता 1982, उत्सव 1984 और इजाजत 1987 शामिल हैं। समानांतर सिनेमा के अलावा रेखा ने अन्य तेजी से गंभीर यहाँ तक कि साहसिक भूमिकाएँ भी निभाईं। वह नायिका और लुक बदलने वाली फिल्मों में मुख्य भूमिकाएँ निभाने वाली शुरुआती अभिनेत्रियों में से थीं, जिनमें से पहली 1988 में खून भरी मांग थी। 2000 के दशक में रेखा इच्छाकृत कम फिल्मों में दिखाई दी। उन्होंने टी रामाराव द्वारा निर्देशित बुलंदी के साथ दशक की शुरुआत की। दूसरी खालिद मोहम्मद की जुबैदा थी। 2001 में रेखा राजकुमार संतोषी की नारीवादी नाटक लज्जा में दिखाई दी। राकेश रोशन की साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया में रेखा ने काम किया। वर्ष 2005 में रेखा ने प्रदीप सरकार की फिल्म परिणीता के गाने कैसी पहेली जिंदगानी के एक आइटम नंबर मेहमान भूमिका निभाई थी। बचके रहना रे बाबा 2005 में रेखा ने एक ठग महिला की भूमिका निभाई जो अपनी भतीजी के साथ अपनी संपत्ति के पुरुषों को लूटने के लिए एक योजना का उपयोग करती है। फिल्म एक बड़ी आलोचनात्मक विफलता थी। 2006 में उन्होंने राकेश रोशन की अगली कड़ी क्रिस में सोनिया मेहरा की भूमिका को दोहराया। 2014 में रेखा ने फिल्म सुपर नानी में काम किया। सुपर नानी एक पारिवारिक नाटक था जिसमें दादी रेखा को उनके बच्चों और पति रणधीर कपूर द्वारा अनदेखा किया जाता है। उनके पोते शर्मन जोशी ने उन्हें बदलने के लिए मना लिया। दादी खुद को एक ग्लैमरस मॉडल में बदल जाती हैं। 2015 में रेखा आर बाल्की की शताब्दी में दिखाई दी जहाँ उन्होंने खुद की भूमिका निभाई। 1990 में रेखा ने दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल साझी की थी। अग्रवाल 100 और बर्तन ब्रांड हॉटलाइन के मालिक थे। माना जाता है कि उन्हें अवसाद के साथ लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा और रेखा के जीवन कारों के अनुसार उन्हें शादी के बाद ही अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता चला। रेखा से उनका परिचय एक पारस्परिक मित्र और फैशन डिजाइनर बीना रमानी के माध्यम से हुआ था, जिन्होंने उन्हें रेखा का क्रेजी फैन कहा। उनका विवाह 4 मार्च 1990 को हुआ और कुछ महीने बाद जब वो लंदन में थी पीछे के प्रयासों के बाद एक नोट छोड़ते हुए किसी को दोष ना दें आत्महत्या से उनकी मृत्यु हो गई। उस समय प्रेस द्वारा उन्हें खदेड़ दिया गया था एक ऐसी अवधि जिसे एक पत्रकार ने अपने जीवन का सबसे गहरा गर्व कहा था। भावना सुमैया ने इस अवधि को अभिनेत्री के खिलाफ एक मजबूत विरोधी लहर की बात करते हुए देखा। कुछ ने उसे कहा, कुछ ने हत्यारा, लेकिन कहा कि जल्द ही रेखा एक बार फिर से पैदा होकर ग्रहण से बाहर आ गई। रेखा फिलहाल मुंबई में अपने बंद घर में रहती हैं। थैंक यू।